हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे गोल्ड का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड बंद हुआ है 50,850 पे, लगभग 150 पॉइंट लॉस के साथ। यहाँ मंथली चार्ट पे देखेंगे हम तो हमें गोल्ड जो है तो लगभग 13 रुपये नीचे ट्रेड करता हुआ देखेगा फॉर द मंथ। लास्ट टू मंथ में हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी, इस मंथ भी प्रॉफिट बुकिंग चालू थी, मगर यहाँ हमने थोड़ा सा न्यूज फ्लो पे बाउंस बैक देखा था जो कि सोल्ड ऑफ हो रहा है। यहाँ गोल्ड भी जिस तरह से प्राइस पैटर्न है, मुझे लगता है कि गोल्ड जो है तो फिर से आपको 48,300 से लेकर नीचे 47,000 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। डीपर करेक्शन इसका 43 तक जा सकता है। अगर 43 पे आता है या उसके नीचे आता है तो आपको जो है तो गोल्ड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जिनके पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और जो प्रॉफिट में है, एक तो उनके लिए सलाह रहेगी प्रॉफिट बुक कीजिए या फिर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर रखिएगा आपके प्रॉफिट के लिए, क्योंकि यहाँ से अगर डाउन ट्रेंड आता है या फिर डीपर करेक्शन आता है तो आपको बहुत नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आपका प्रॉफिट जो है तो वाइप आउट हो सकता है और प्रॉफिटेबल पोजिशन लॉस में भी जा सकती है। तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर रखना चाहिए हर एक इन्वेस्टमेंट के लिए जो प्रॉफिट में है। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे यहाँ गोल्ड ने अच्छी खासी कोशिश की थी ऊपर के लेवल दिखाने की, क्योंकि इस हफ्ते हमने हाई दिखा था 51,660, लो था 50,151, तो लगभग 1,500 रुपये की रेंज थी, मगर ऊपर के लेवल से फिर से जो है तो यहाँ बिकवाली आ रही है। तो ये एक माइनर बाउंस बैक था जो कि मुझे लगता है कि शायद ख़त्म हो चुका है। यहाँ हम जो है तो निचले लेवल देख सकते हैं अभी, और गोल्ड जो है तो 49,500 और उसके नीचे जो है तो 48,300 की तरफ मीडियम टर्म में जा सकता है। तो यहाँ सेल ऑन प्राइस भी रहेगा एज पर वीकली चार्ट। यहाँ ऊपर के लेवल मुझे नहीं लगता कि सस्टेन होने वाले हैं। बड़ी मूव कब आएगी, जब हम ये जो टॉप था ये क्रॉस करेंगे, तो आपको जब गोल्ड जो है तो 52,000 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी एक बड़ी मूव आ सकती है जो 55,000 तक लेकर जाएगी, और उसकी संभावना मुझे बहुत कम लगती है। यहाँ वीकली चार्ट पे हमें एक अच्छा खासा अप मूव मिला था, अभी फिर से जो है तो डाउन मूव मिला है। तो दोनों तरफ के ट्रेडिंग के मौके हमें इस वीक में देखने को मिल चुके हैं। तो यहाँ अभी वीकली चार्ट दिखा रहा है करेक्टिव पैटर्न्स, यहाँ रहेगा सेल ऑन राइज व्यू। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि किस तरह की वोलेटिलिटी यहाँ हमें देखने को मिली है ड्यू टू न्यूज फ्लो। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है, मगर यहाँ मोस्टली जो है एक अप मूव आया था मगर वो भी सोल्ड ऑफ हो चुका है। तो जब तक ये कैंडल का हाई क्रॉस नहीं होता है तब तक मुझे नहीं लगता कि मार्केट जो है तो ऊपर जा सकेगा। तो यहाँ डेली चार्ट पे भी मेरा सेल ऑन राइज भी हो रहेगा। यहाँ आपको ऊपर की तरफ आते ही बाउंस बैक आता है तो 51,400 के अराउंड सेल करना है गोल्ड को, स्टॉप लॉस 51,700। और नीचे जो है तो मुझे लगता है कि 50,000 के लेवल और 49,000 के लेवल भी हमें गोल्ड दिखा सकता है। तो यहाँ सेल ऑन राइज भी रहेगा, यहाँ वोलेटिलिटी हाई रह सकती है, तो उसके हिसाब से आपको जो है तो पोजीशन साइज और आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको ट्यून इन करना पड़ेगा। यहाँ एक्सपेक्ट कीजिए हाई वोलेटिलिटी, मगर यहाँ मुझे लगता है कि प्राइजेज जो है तो निचले लेवल की तरफ ही बढ़ेंगे धीरे धीरे, और हमें 50,000 और उसके नीचे के लेवल जो है तो देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना है विथ माई प्रीमियम कॉल्स तो मेरी सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।